नमस्ते दोस्तों, दिलीप दावड़ा फिर से आपके सामने उपस्थित है चर्चा करने के लिए एक बीएससी एसएमई आईपीओ की, जो 27 जनवरी को खुल के 1 फरवरी को बंद हो रहा है। जी हाँ, ये आईपीओ है क्वालिटी आरओ इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से, जो बाजार से 2,70,00,000 रुपये जुटाने के लिए अपना 10 रुपये का शेयर 51 रुपये के भाव से बाजार में ला रही है। और 2,70,00,000 के जो इश्यू के लिए कंपनी करीब करीब 56 लाख रुपए का खर्च कर रही है। दर दिखा रहा है कि कंपनी और मर्चेंट मेकर ने इस इश्यू के लिए पूरा बंदोबस्त कर दिया है फंडिंग के लिए। इसलिए चाहे मैं रेकमेंड करूँ ना करूँ, आप अप्लाई करो ना करो, इश्यू तो भरने वाला ही है। लेकिन इस इश्यू की पोस्ट आईपीओ इक्विटी 2 करोड़ के अंदर यानी कि 1,93,00,000 रुपये ही रहती है, तो लगता है इस आईपीओ को, इस कंपनी को काफ़ी लंबा समय लग सकता है मेन बोर्ड पर माइग्रेट होने के लिए। और तीसरी बात है कि ये कंपनी सिर्फ 62 दिनों के कारोबार के घोषणा के साथ अपना आईपीओ ला रही है। हालांकि उसके पहले प्रोप्राइटरशिप कंपनी की और तरह से उन्होंने जो भी 3 साल का काम कारोबार किया है वो इसके आस्किंग प्राइस के हिसाब से सुसंगत नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस आईपीओ से दूर रहने में ही मज़ा है, इसमें आप अपनी मेहनत की कमाई न लगाएं। लेकिन फिर भी अगर आप निवेश करना चाहते हो तो आपके वित्तीय सलाहकार से चर्चा विचारणा करने के बाद ही अंतिम निर्णय लीजिएगा। बाकी इस इश्यू के बारे में पूरी जानकारी और मेरा रिव्यू आप chitorgarh.com पे देख सकते हो। बाकी मैंने जैसे कहा, इस इश्यू से दूर रहने में ही आपकी भलाई रहेगी। धन्यवाद।